शहरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज से एम्बुलेंस की सेवाएं जो है ठप कर दी है, जिससे बीमार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मामला जिले के सामुदायिक केंद्र बेवा का है, जहां जिले में तैनात 108 और 102 ALS कर्मचारी इकट्ठा होकर हड़ताल की जानकारी दी। वहीं एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष ने बताया, वायरस फैला हुआ है, हमने मांग की थी कि हमें भी इस वायरस से बचाव के लिए किट दी जाए, जिससे हम लोग इस वायरस से सुरक्षित रह सकें। कोरोना महामारी में हम समस्त EMT पायलट जितने भी हैं, केस अगर आता है तो हम लोग तत्काल प्रभाव से उस केस को लेने जाते हैं। अब वो सस्पेक्टेड है कि वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव हो गया, हमारे जितने MT पायलट अगर किसी को हो गया तो हमारे MT पायलट उस कोरोना महामारी से वो ग्रसित हो जाएगा और मर भी सकता है। मेरे दो तीन भाइयों का सूचना हम लोगों को मिला है कि प्रयागराज में दो भाई सस्पेक्टेड हो गए हैं, अगर उनको ये कोरोना हो गया, वो एक्सपायर कर गए तो उनके घर परिवार को क्या होगा। और अभी तक जब भी जब से सैलरी की बात आती है, तो जब 3 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने की सैलरी जब हम लोगों की हो जाती है, जब हम लोग कुछ अपने यूनियन के माध्यम से करते हैं, तब ये कंपनी हम लोगों को 1 महीने का लॉलीपॉप देती है।